कर्मचारियों का जो ज्ञापन आज। नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पलपल न्यूज। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के डेलीगेशन ने नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला के साथ की मुलाकात, अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा। कच्चे कर्मचारियों के बारे में हाईकोर्ट के फैसले के मामले में नेता प्रतिपक्ष से मांगा सहयोग। विधानसभा के प्रस्ताव पास कर पंजाब विधानसभा की तर्ज पर फैसले को निरस्त करने के लिए विधानसभा में आवाज उठाने की रखी मांग। अभय सिंह चौटाला ने दिया सहयोग करने का आश्वासन। मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर एक दिन के विशेष अधिवेशन बुलाने के लिए करेंगे मांग। और क्यों हुड्डा सरकार व मौजूदा भाजपा सरकार की गलत नीतियों पर की वजह से कर्मचारियों का भविष्य हो रहा है खराब और उनके साथ हो रहा है खिलवाड़। मुख्यमंत्री के लिए 48 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर खरीद कर सरकारी खजाने का किया जा रहा है दुरुपयोग। मुख्यमंत्री योग व गुल्ली डंडा खेलने की बजाय जनता के हितों और प्रदेश की तरक्की पर दे ध्यान। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि महापुरुषों की जयंती जरूर मनाई जानी चाहिए, लेकिन भाजपा जयंती के नाम पर कर रही है राजनीति। अब देख रहे हैं सुरेंद्र भाटिया के साथ अमर सिंह की ये खास रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला के ने पूर्व कांग्रेस सरकार व मौजूदा भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इन दोनों सरकारों की गलत नीतियों की वजह से आज प्रदेश में कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए जिस ठेका प्रथा की सीएम हुड्डा ने शुरुआत की थी, उसे खत्म करने के बजाय भाजपा सरकार ने इसे लागू रखा और कर्मचारियों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया। नेता प्रतिपक्ष आज अपने आवास पर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के एक डेलीगेशन से मुलाकात के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने हरियाणा सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि आज प्रदेश में हर वर्ग सरकार की नीतियों के कारण परेशान हो दुखी है, सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर है। उन्होंने सरकार पर प्रदेश की जनता के हितों की अनदेखी करने के आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने 48 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर खरीद कर सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योग व गुल्ली डंडा खेलने के बजाय सरकार हितों, जनता के हितों व प्रदेश की तरक्की पर ध्यान देना चाहिए। प्रदेश में जयंती मनाए जाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि महापुरुषों की जयंती जरूर मनाई जानी चाहिए, लेकिन इस पर भाजपा सरकार केवल राजनीति कर रही है, इसका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है और जयंती के नाम पर प्रदेश में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक मुख्यमंत्री स्वयं भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं, लेकिन इस प्रकार अगर भ्रष्टाचार को प्रदेश में बढ़ावा मिलता रहा तो उन पर भी उंगली उठेगी। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, ये बात उस समय साबित हो जाएगी। लोगों के बीच में सड़क के रास्ते से जाते थे, लोगों से मिलते थे, उनसे पूछते थे उनकी दिक्कत और कठिनाई के बारे में। 10 साल भी पीछे रहा, अब फिर एक ऐसा मुख्यमंत्री आ गए जो केवल हवाई यात्राओं में विश्वास रखते हैं। पहले मुख्यमंत्री ने तो हवाई जहाज के साथ साथ हेलीकॉप्टर भी ले लिया, और इन्होंने भी यहाँ हेलीकॉप्टर एक की जगह दो दो तीन तीन चला रहे हैं, किराए पे लेकर के चल रहे हैं। वहीं उसके साथ साथ नया और उड़न खटोला खरीदने की तैयारी में है। उनको कैसे सुविधाएं मिले उस पर नहीं विचार करते, केवल गुल्ली डंडा खेलने में विश्वास रखते हैं, फोटो खिंचवाने में विश्वास रखते हैं, और केवल लोगों के सामने कैसे परेशानियां खड़ी हो इसके लिए योजनाएं बनाने का काम। जयंती जितने भी हमारे महानुभाव हैं उनकी जयंतियां जरूर मननी चाहिए, ताकि उस वर्ग के लोगों को जो उस वर्ग से जुड़ा हुआ है उसको अपने जो महापुरुष थे उनके बारे में उनको ज्ञान हो, लेकिन इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये तो जयंती के नाम के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, ये केवल जयंती के नाम के ऊपर लोगों को बुला करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की फिराक में लगे हुए हैं। ये तो जयंती के नाम के ऊपर किस तरह से सरकारी पैसे अपनी जेब में डाला जा सके, अपने चेतों की जेब भरी जा सके, उसके लिए जयंतियां मनाते हैं। गीता जयंती आपके सामने है कि जिस गीता की पुस्तक किताब की कीमत गीता की केवल 200 से 400 रुपये है, इन्होंने वो किताबें 40,000 में खरीद करके और भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया। मुख्यमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया कि अब की बार तो हमने 10 खरीदी है 40,000 की, अगली बार हम सैकड़ों खरीदेंगे। इसका मतलब मुख्यमंत्री भी इस काम में शामिल हो जाएंगे, जिनके ऊपर अब तक ये आरोप नहीं है कि मुख्यमंत्री स्वयं कहीं भ्रष्टाचार में शामिल है। लेकिन अगर इस तरह की गलतियां करेंगे
100% उनके ऊपर भी इस बात को लेकर के उंगली उठेगी कि मुख्यमंत्री भी इस चीज़ को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। योग जो है कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए, योग तो हमारे ऋषि मुनियों ने शुरू किया था। यहाँ तो योग के नाम के ऊपर भी लोगों के बीच में जाने का एक रास्ता बनाया जा रहा है। योग के नाम के ऊपर भी RSS के लोगों को ला करके बैठाया जा रहा है। योग के नाम के ऊपर गांव-गांव के अंदर कैसे इनकी शाखाएं बन जाए, इसके लिए योग के नाम पे एक योजना बनाई जा रही है। आज जो मुख्यमंत्री योग करने गए हैं, वहाँ मुख्यमंत्री को इतनी बड़ी फुर्सत है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कभी योगा करे, कभी प्रदेश का मुख्यमंत्री गुल्ली डंडा खेले, कभी प्रदेश का मुख्यमंत्री राजगिरी करे, कभी प्रदेश का मुख्यमंत्री कबड्डी खेले। मुख्यमंत्री का काम ये सब नहीं है, मुख्यमंत्री का काम है